अस्सलाम वालेकुम। ये इसमें पोटाश और यूरिया मिक्स करके दे रहे हैं। अभी पानी बंद होने वाला है, तकरीबन पानी बंद हो चुका है। आज तकरीबन 2 तारीख है जनवरी की, और ये गंदम है और इसके साथ गन्ना भी लगा हुआ है, वही जो पहले भी बताया था, दिखाया था आपको, वही है। और ये अल्लाह की कुदरत है, ये परिंदे हैं, अगर ये ना होते तो शायद ये कीड़े मकोड़े हमें खा जाते। हालांकि ये हिलाल नहीं है, हराम है ये परिंदे, लेकिन ये कीड़े मकोड़े इनके खाते हैं ताकि इंसानों के ऊपर हावी ना हो जाए ये कीड़े मकोड़े। ये गंदम है और ये 1 एकड़ को दे चुके हैं पानी, और ये गन्ना का मुंडी है, एक कटाई हो चुकी है, दूसरी कटाई है इसमें। फिर कटाई करने के बाद इसमें गन्ने में जो सा हल लगा के उसमें डाला था ये गंदम, ये वो है। और इस तरीके से ये बनाया हुआ है, दे रहे हैं। ये डब्बे बनाए हुए हैं, डब्बों में यूरिया और पोटाश लिक्विड है, वो डाला हुआ है। देख रहे हैं, तजुर्बा कर रहे हैं, अल्लाह करेगा बेहतर होगा। और ये गंदम में माशाल्लाह अच्छी हुई है, पहले ये तकरीबन टुकड़े टुकड़े होते ही नहीं थे इसमें। फिर इसमें गंदम के बाद फिर इसमें जंतर लगाया था मैंने, जंतर हल नहीं लगाया था, हल के बगैर ही जंतर में जो सा है ना, गंदम कटाई के बाद पानी देने के बाद इनमें जो सा है बीज छट दिया और बड़ा पानी दिया और छोड़ दिया उसे। फिर उस जंतर में अच्छी तरह पानी देता रहा और माशाल्लाह ये ज़मीन अभी अच्छी हो गई है। पहले कलर था इसमें, तकरीबन टुकड़े टुकड़े होते थे, हर जे एक एक जरेब में तकरीबन आधा जरेब जो सा है ना वो पूरा होता था। 2 साल इसमें जंतर लगाया, उसके बाद माशाल्लाह ये भी अभी आपके सामने है, देख लें आप, ये सामने ये है दादन मस्तोई जो काम कर रहा है। दादन मस्तोई साहब हैं, दादा, ये देखें माशाल्लाह।